स्त्री एवं पुरुषों के शुभाशुभ लक्षण। श्रीहरि ने कहा, अब मैं सामुद्रिक शास्त्र में कहे गए स्त्री और पुरुष के शुभाशुभ लक्षणों का वर्णन करता हूँ, जिन्हें जान लेने से भूत तथा भविष्य का ज्ञान हो जाता है। मार्ग में गमन करने पर विषम रूप से पड़ने वाले कषाय वर्ण से युक्त विचित्र प्रकार के बने हुए चरण वंश का नाश करते हैं। शंखवाकार चरणों से युक्त मनुष्य ब्रह्म हत्या करता है तथा अगम्य स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा रखता है। विरल रोम भाग युक्त जंघा तथा हाथी के सून के समान सुंदर उरु भागों वाले अंग राजा के शरीर में सुशोभित होते हैं। दरिद्र की जंघाएं सियार की जंघाओं के समान होती हैं। कुंचित केश राशि वाले मनुष्य की मृत्यु विदेश में होती है। मांस रहित जानु प्रदेश वाला व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। अल्प और छोटी छोटी जानुओं के होने से मनुष्य स्त्री प्रेमी तथा विशाल विकटाकार होने पर दरिद्र होता है। मांस से भरपूर जानुओं के होने पर मनुष्य को राज्य की प्राप्ति होती है। बड़ी जानुओं के होने पर मनुष्य दीर्घायु होता है। मांसल स्फिक अर्थात कुल्हा प्रदेश वाला व्यक्ति सुखी तथा सिंह के समान स्फिक होने पर वो राजपुरुष माना गया है। इसी प्रकार सिंह के सदृश कटी प्रदेश के होने पर वो राजा होता है, किंतु कपी के समान कटिभाग वाला व्यक्ति निर्धन होता है। समान कक्ष अर्थात कांख प्रदेश वाले अत्यधिक भोग विलासी होते हैं। निम्न कक्षाओं वाले धनहीन तथा उन्नत एवं विषम कक्षाओं वाले कुटिल होते हैं। मत्स्य के समान उदर वाले प्रचुर धनवान होते हैं। विस्तीर्ण नाभि प्रदेश से सुशोभित जन सुखी एवं अत्यधिक गहरी नाभि के होने पर कष्ट भोगने वाले होते हैं। त्रिवली के मध्य भाग में नाभि की अवस्थित होने पर प्राणी शूल रोग से ग्रासित होते हैं। वामावर्त नाभि के होने पर शक्ति संपन्न और दक्षिणावर्त होने पर मेधावी होते हैं। पार्श्वदेश में नाभि के विस्तृत होने से मनुष्य चिरंजीवी, उन्नत होने पर ऐश्वर्यशाली, अधोमुख होने पर गोधन से संपन्न एवं पद्मकर्णिका के सदृश होने पर वो राजत्व को प्राप्त करते हैं। उदर भाग पर एक वली के रहने पर मनुष्य शतायु होता है। दो वलियों के होने से वो ऐश्वर्य का भोग करने वाला तथा त्रिवलियों के होने पर राजा या आचार्य की पदवी को प्राप्त करता है। सरल वलियों वाला मनुष्य सुखी होता है। वक्र वली वाला व्यक्ति अगम्यागामी होता है। जिसके दोनों पार्श्व भाग मांसल होते हैं वो राजा होता है। मृदु, कोमल, सुंदर और समभाग की दूरियों पर अवस्थित दक्षिणावर्तीय रोम राशियों से सुशोभित व्यक्ति भी राजा होते हैं। यदि उदर प्रदेश पर इन लक्षणों के विपरीत रोम राशियां होती हैं तो ऐसे मनुष्य दूत कर्म करने वाले, निर्धन तथा सुख से रहित होते हैं। समुन्नत, मांसल तथा कंपन रहित विशाल वक्षस्थल राजाओं का होता है। अधम जनों का वक्षस्थल जो गर्दभों की रोम राशि के समान कर्कश तथा रोम वलियों से युक्त स्पष्ट परिलक्षित होने वाली नसों से व्याप्त रहता है। समतल वक्षस्थल वाले मनुष्य धन संपन्न होते हैं। पीन वक्षस्थलों से युक्त प्राणी शक्ति संपन्न होता है। विषम वक्षस्थल के होने पर मनुष्य निर्धन होता है और उसकी मृत्यु शस्त्राघात से होती है। स्कंध प्रदेश के संधि स्थान में विषमता तथा अस्थि संलग्नता के होने पर भी मनुष्य निर्धन होते हैं। उन्नत स्कंध प्रदेश के रहने से व्यक्ति भोगी, निम्न होने पर धनहीन तथा स्थूल होने पर धनी होते हैं। चिपटाकार कंठ से युक्त मनुष्य निर्धन, शुष्क एवं उन्नत शिराओं से व्याप्त गले वाला सुखी होता है। महिष के सदृश ग्रीवा वाला वीर तथा मृग के समान कंठ वाला शास्त्रों में पारंगत होता है। शंख के समान ग्रीवा वाला मनुष्य राजा और लंबे कंठ वाला मनुष्य भोजन करने वाला होता है। रोम रहित एवं मुड़ा हुआ पृष्ठ प्रदेश शुभ तथा उसके विपरीत रहने पर अशुभ माना गया है। पीपल पत्र के सदृश सुगंधित तथा मृग के सदृश रोम वालियों वाली कक्षाएं उत्तम होती हैं। इसके विपरीत कक्षाओं के जो लक्षण होते हैं वो निर्धन की दरिद्रता के कारण है। मांसल, श्लिष्ट, विशाल, बलिष्ठ, वृत्ताकार तथा जानु पर्यंत लंबी सुंदर भुजाएं राजा की होती हैं। प्रचुर रोमावलियों से युक्त छोटे छोटे हाथ निर्धन के होते हैं। हाथी की शून के समान सुंदर भुजाएं श्रेष्ठ मानी गई हैं। भवन में वायु प्रवेश के लिए बने द्वार के समान बनी हुई अंगुलियां शुभ होती है। मेधावी जनों की अंगुलियां छोटी होती है। चिपटाकार अंगुलियां भृत्यों में पाई जाती है। स्थूल अंगुलियों के होने पर मनुष्य निर्धन होते हैं। जब मनुष्य की अंगुलियां क्रूश होती है तो वो विनयी होते हैं। बंदर के सदृश हाथ के होने पर मनुष्य निर्धन और बाघ के समान होने पर बलवान होते हैं।
करतल भाग के निम्न होने से मनुष्य पिता के द्वारा संचित धन को नष्ट करने वाला होता है। मणिबंध के सुगठित श्लिष्ट तथा सुगंधयुक्त होने पर व्यक्तियों को राजपद की प्राप्ति होती है। कटे फटे करभाग से युक्त शब्द करने वाले मणिबंध के रहने से मनुष्य धनहीन और नीच प्रकृति के माने जाते हैं। संवृत्त अर्थात गोलाकार एवं गहरे करतलों के होने से मनुष्यों को धनवान कहा गया है। उन्नत करतलों के होने पर व्यक्ति दानी और विषम भाग वाले व्यक्ति कठोर होते हैं। लाक्षारस के समान करतलों के होने से प्राणी राजा होते हैं। पीत वर्ण वाले करतलों से युक्त व्यक्ति परस्त्री के साथ रमण करने वाले होते हैं। जिनके हाथ और तल प्रदेश रूखे हैं वो मनुष्य निर्धन होते हैं। तुष अर्थात भूसी के समान रंग से युक्त नख वाले लोग नपुसंग कुटिल तथा फटे हुए नख वाले धनहीन होते हैं। विवर्ण नख वाले दूसरे के साथ तर्क करने वाले होते हैं। ताम्र वर्ण के सदृश रक्ताभ नख वाले मनुष्य राजा होते हैं। यव चिन्ह से युक्त अंगुष्ठ वाले व्यक्ति अत्यधिक धन वैभव से युक्त होते हैं। अंगुष्ठ के मूलभाग में यव चिन्ह के होने से व्यक्ति पुत्रवान होता है। लंबे पर्वों से युक्त अंगुलियों के होने पर दीर्घायु तथा पुत्र पौत्रादि से परिपूर्ण होता है, किंतु विरल अंगुलियों वाला व्यक्ति निर्धन होता है। सघन अंगुलियों के होने से मनुष्य धन संपन्न होता है। मणिबंध से निकलकर तीन रेखाएं जिसके करतल भाग को पार कर जाती हैं वो राजा होता है। दो मत्स्यांकित करतल भाग वाला पुरुष यज्ञकर्ता एवं दानी होता है। वज्राकार चिन्ह वाले करतल धनी जनों के होते हैं। विद्वान का करतल भाग मीन पुच्छ के चिन्ह से अंकित होता है। राजा के करतल में शंख छत्र शिविका अर्थात डोली गज और पद्माकार चिन्ह रहते हैं। अतुलनीय ऐश्वर्य संपन्न राजा के करतल में कुंभ अंकुश पताका तथा मृणाल के समान चिन्ह रहते हैं। गोधन के स्वामी जनों के करतलों में रस्सी के चिन्ह होते हैं। जिसके हाथ में स्वस्तिक का चिन्ह होता है वो सम्राट होता है। राजा के हाथ में चक्र कृपाण तोमर धनुष और भाले के आकार के चिन्ह होते हैं। ओखली के चिन्ह से युक्त व्यक्ति यज्ञादि कर्मकांडों में निष्णात होता है। जिनके हाथों में वेदिकाकार रेखा होती है वो अग्निहोत्री होते हैं। वापी देवकुल्या तथा त्रिकोण रेखाओं के रहने पर मनुष्य धार्मिक होता है। अंगुष्ठ मूल तक रेखा के होने से व्यक्ति पुत्रवान होते हैं। यदि वो रेखाएं सूक्ष्म होती हैं तो उन्हें कन्याएं होती हैं। कनिष्ठिका के मूल से निकलकर तर्जनी के मूल तक रेखा का विस्तार होने पर मनुष्य शतायु होता है, किंतु किसी स्थान पर उसके विच्छिन्न होने पर प्राणी को वृक्ष से गिरकर मृत्यु का भय बना रहता है। बहुत सी रेखाओं के होने से मनुष्य दरिद्री होते हैं। चिबुक अर्थात ठुड्डी के पुरुष होने पर मनुष्य को धनहीन समझना चाहिए, किंतु जितनी ठुड्डियां मांसल होती है वो धन संपदाओं से परिपूर्ण होते हैं। अरुणाभ बिंबा फल के समान सुंदर अधरों से सुशोभित मुख राजाओं का माना गया है, किंतु जिसके ओष्ठ रुखे खंडित फटे हुए तथा विषम होते हैं वो निर्धन होते हैं। स्निग्ध अर्थात चिकने चमकते हुए सघन एवं समान भाग वाले सुंदर तीक्ष्ण दांतों का होना शुभ है। रक्तवर्ण की समतल चिकनी एवं दीर्घ जिह्वा श्रेष्ठ होती है। राजाओं का मुख कठोर सम सौम्य गोल मल रहित तथा स्निग्ध होता है। दुख भोगने वाले लोगों में इन लक्षणों के विपरीत लक्षण होते हैं। कुत्सित एवं भाग्यहीनों को स्त्रीमुखी पुत्र प्राप्त होता है। धनी लोगों का मुख गोलाकार तथा निर्धनों का मुख लंबा होता है। पाप कर्मा का मुख भयाक्रांत होता है। धूर्तों के मुख चौकोर पुत्रहीनों के निम्न एवं कंजूसों के छोटे मुख होते हैं। भोगी जनों का मुख सुंदर आभामय मूछों से युक्त स्निग्ध शुभ तथा कोमल होता है। चौवृत्ति वाले व्यक्ति निस्तेज मुरझाई हुई लाल वर्ण की दाढ़ी और मूछों वाले होते हैं। रक्त वर्ण के थोड़े तथा कड़े बाल युक्त दाढ़ी वाले और छोटे छोटे कानों वाले मनुष्य की मृत्यु पाप कर्म करने से होती है। मांस रहित चिपटे कानों वाले लोग भोगी और अत्यंत छोटे छोटे कानों से युक्त मनुष्य कंजूस होते हैं। शंक्वाकार कानों के होने पर मनुष्य राजा होता है तथा रोम राशि से भरे होने पर उसे तीक्ष्ण आयु की प्राप्ति होती है। बड़े कानों वाले धनी अथवा राजा माने जाते हैं। स्निग्ध विस्तृत मांसल तथा दीर्घ कानों वाले राजा होते हैं। निम्न गंडस्थल वाला भोगी और पूर्ण सुडौल एवं सुंदर होने पर मनुष्य मंत्री होता है। सुग्गे की नासिका के समान सुंदर नासिका वाला व्यक्ति सुखी और शुष्क नासिका वाला दीर्घजीवी होता है।
नासिका का अग्रभाग छिन्न तथा कुप के समान नासिका के होने पर मनुष्य अगम्य स्त्री के साथ सहवास करता है। दीर्घ नासिका के रहने पर सौभाग्यवान एवं आकुंचित अर्थात टेढ़ी नासिका होने से व्यक्ति चौर कार्य में प्रवृत्त होता है। नासिका के चिपटी होने पर मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है। भाग्यवान की नासिका छोटी होती है। चक्रवर्ती सम्राट की नासिका में छोटे छोटे गोल और सीधे छिद्र होते हैं। दक्षिण भाग की ओर नासिका के वक्र होने पर मनुष्यों में क्रूर स्वभाव होता है। वक्र उपांत भागों से युक्त तथा पद्म पत्र के समान सुंदर नेत्र सुखी लोगों के होते हैं। बिल्ली के सदृश नेत्रों के होने पर मनुष्य पापात्मा तथा मधु पिंगल वर्ण वाले नेत्रों के होने पर वो दुरात्मा होता है। केकड़े के नेत्रों की भांति नेत्र होने से व्यक्ति क्रूर और हरित वर्ण के नेत्र वाले पाप कर्म में अनुरक्त होते हैं। वक्र नेत्र बलवान पुरुषों का लक्षण है। हाथी के समान नेत्रों वाले मनुष्य सेनानी होते हैं। गंभीर नेत्रों वाला पुरुष राजा तथा स्थूल नेत्रों वाला मंत्री होता है। नील कमल के सदृश नेत्रों के होने पर व्यक्ति विद्वान तथा श्याम वर्ण के नेत्र वाले सौभाग्यशाली होते हैं। कृष्ण वर्ण के तारक बिंदुओं से युक्त नेत्रों वाले पुरुष में उत्पाटन क्षमता होती है। मंडलाकार नेत्रों के होने पर व्यक्ति पापी तथा दैन्य भाव युक्त नेत्र वाले मनुष्य दरिद्र होते हैं। सुंदर एवं विशाल नेत्रों वाले संसार में विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं। जिनके नेत्र अधिक उन्नत अर्थात ऊपर की ओर अधिक उठे हुए होते हैं वो अल्पायु होते हैं। विशाल और उन्नत नेत्रों के होने पर मनुष्य सुखी होते हैं। विषम भौहों वाले दरिद्र होते हैं तथा दीर्घ सघन एक दूसरे से संयुक्त बाल चंद्र के सदृश पतले वक्र एवं उन्नत सुंदर भौहों से सुशोभित प्राणी धन वैभव से संपन्न होते हैं। मध्य भाग में कटी हुई भौहों के होने पर मनुष्य निर्धन तथा झुकी हुई भौहों के होने से अगम्य स्त्रियों में रत रहने वाले और पुत्र से रहित होते हैं। उन्नत विशाल शंखाकार एवं विषम मस्तक होने पर पुरुषों में निर्धनता और अर्धचंद्रकार ललाट के होने पर वो धन संपत्ता से परिपूर्ण रहते हैं। सीप के समान आभा वाले तथा विशाल मस्तक वाले आचार्य के पद को सुशोभित करते हैं। जिनके मस्तकों पर शिराए स्पष्ट प्रतीत होती रहती है वो पाप कर्म में लगे रहते हैं। उन्नत शिराओं से युक्त स्वस्तिकाकार सुंदर ललाट के होने पर मनुष्य धनवान तथा निम्न ललाट के होने पर बंदी बनाए जाने योग्य होते हैं और क्रूर कर्मों को करते हैं। गोल ललाट वाले कृपण और उन्नत भाल वाले राजा होते हैं। लोगों का अश्रु रहित दीनता रहित स्निग्ध रुदन मंगलकारी होता है तथा अविरल अश्रुधार वाला दैन्य भाव को प्रकट करता हुआ रूखा रुदन सुखकारी होता है। कंपन रहित हंसी श्रेष्ठ होती है। आंख मूंद कर हंसने वाला व्यक्ति पापी होता है। बार बार हंसने वाला दुष्ट होता है और उन्मत्त की हंसी अनेक प्रकार की होती है। 100 वर्ष तक जीवन प्राप्त करने वाले लोगों के मस्तक पर 3 रेखाएं होती हैं। मस्तक पर 4 रेखाओं के होने पर मनुष्य राजा होता है और उसकी आयु 95 वर्ष तक होती है। रेखा रहित ललाट वाला व्यक्ति 90 वर्ष जीवित रहता है। विच्छिन्न रेखाओं से व्याप्त मस्तक वाले पुरुष लंपट होते हैं। मस्तक पर केश पर्यंत रेखाओं के होने से मनुष्य की आयु 80 वर्ष की होती है। 5, 6 अथवा 7 रेखाओं के होने से प्राणी की आयु 50 वर्ष तथा 7 से अधिक रेखाओं के होने पर 40 वर्ष की आयु माननी चाहिए। मस्तक पर रेखाओं की वक्रता एवं भौह पर्यंत स्थिति होने से पुरुष 30 वर्ष तथा बाई और वक्र होने पर 20 वर्ष की अल्पायु को प्राप्त करते हैं। रेखाओं के क्षुद्र होने पर मनुष्य अल्पायु होता है। छत्राकार सिर वाले मनुष्य राजा और निम्न सिर वाले धनी होते हैं। चिपटे सिर से युक्त पुरुषों के पिता की मृत्यु शीघ्र होती है। मंडलाकार सिर होने पर व्यक्ति गौ आदि प्राणियों से संपन्न होते हैं। घटाकार मूर्धा भाग के होने पर मनुष्य पाप में अभिरुचि रखने वाला तथा धनहीन होता है। काले काले घुंघराले स्निग्ध एक छिद्र में एक एक उत्पन्न अभिन्न अग्रभाग वाले अत्यधिक न छोटे न बड़े सुंदर केश वाले राजा होते हैं। एक छिद्र में अनेक बाल वाले विषम स्थूलाग्र तथा कपिल वर्ण के केशों से युक्त पुरुष निर्धन होते हैं। अत्यंत कुटिल सघन एवं काले बाल वाले भी निर्धन होते हैं। मनुष्य के जो अंग अतिशय रुक्ष शिराओं से व्याप्त तथा मांस रहित होते हैं वो सभी अशुभ हैं। यदि वो अंग इसके विपरीत होते हैं तो उन्हें शुभ मानना चाहिए। मानव शरीर में 3 अंग विशाल और 3 अंग गंभीर 5 अंग दीर्घ तथा सूक्ष्म 6 अंग उन्नत 4 ह्रस्व एवं 7 अंग रक्त वर्ण के होने पर वो राजा होता है। नाभि स्वर तथा सत्व
अर्थात स्वभाव, ये तीन गंभीर होने चाहिए। ललाट मुख तथा वक्षस्थल विशाल, नेत्र कक्षा अर्थात काक, नासिका तथा क्रुकाटिका अर्थात गर्दन का उठा हुआ भाग, सिर और गर्दन का जोड़, इन छह को उन्नत होना चाहिए। ऐसा होने पर मनुष्य राजा होता है। जंघा, ग्रीवा, लिंग तथा पृष्ठभाग, ये चार अंग ह्रस्व होने चाहिए। करतल, तालु, अधर और नख, ये चार रक्ताभ होने चाहिए। नेत्रांत भाग, चरण तल, जिह्वा और दोनों ओष्ठ, ये पांच सूक्ष्म होने चाहिए। दांत, उंगली, पर्व, नख, केश और त्वचा, ये पांच अंग दीर्घ होने पर शुभकारी है। दोनों स्तनों का मध्य भाग, दोनों भुजाएं, दांत, नेत्र और नासिका का भी दीर्घ होना शुभ है। इस प्रकार मनुष्यों का लक्षण कहकर अब स्त्रियों का लक्षण कर रहा हूं। रानी के दोनों चरण स्निग्ध, समान पदतल वाले, ताम्र वर्ण की आभा से सुशोभित नखों से युक्त, सघन अंगुलियों वाले तथा उन्नत अग्रभाग वाले होते हैं। ऐसी स्त्री को प्राप्त कर मनुष्य राजा बन जाता है। गुढ़ गुल्फ प्रदेश से युक्त पद्मपत्र के समान चरण तल शुभ होते हैं। जिसके चरण तलों में पसीना नहीं छूटता है और वो कोमल होते हैं, उनमें मत्स्य, अंकुश, ध्वज, वज्र, पद्म तथा हल्का चिन्ह हो तो वो रानी होती है। इन लक्षणों से रहित चरण वाली स्त्री दासी होती है। स्त्रियों की रोम रहित, सुंदर, शिरा विहीन, गोल गोल जंघाएं शुभ हैं। संधि स्थान तथा दोनों जानु समान होने चाहिए, ऐसा शुभ होता है। गजशुंड के सदृश रोम रहित तथा समान भाग वाले दोनों ओर श्रेष्ठ माने जाते हैं। विस्तीर्ण मांसल, गंभीर, विशाल तथा दक्षिणावर्त नाभि तथा मध्य भाग में त्रिवलियां श्रेष्ठ होती है। स्त्रियों के रोम रहित, विशाल, भरे हुए, सघन एवं समान भाग वाले कठोर स्तन प्रदेश शुभ है। रोम रहित शंख के आकार वाली सुंदर ग्रीवा प्रशस्त होती है। अरुणाभ अधरोष्ठ वाला तथा वर्तुलाकार मांसल भरा हुआ मुख श्रेष्ठ होता है। कुंद पुष्प के समान दंत पंक्ति तथा कोयल की भांति वाणी शुभ होती है। जो सदैव दाक्षिण्य भाव से परिपूर्ण रहती है, उसमें शठता नहीं होती, अपितु हंसों के समान मधुर शब्दों का प्रयोग करके वो दूसरों को सुख प्रदान करती है, वो स्त्री श्रेष्ठ होती है। स्त्रियों की नासिका और नासिका छिद्र समान होना मनोहर और मंगलदायी होता है। स्त्रियों के नील कमल के समान नेत्र अच्छे होते हैं। बालचंद्र के सदृश भौहों का होना शुभ है, किंतु उनका मोटा होना अच्छा नहीं है। उनका मस्तक अर्धचंद्र के समान सुंदर, समतल तथा रोम विहीन होना शुभ है। सुंदर, समान, मांसल एवं कोमल कान श्रेष्ठ होते हैं। स्त्रियों के चिकने नील वर्ण वाले, मृद और घुंघराले केश प्रशस्त माने गए हैं। उनका सम आकार वाला सिर शुभ होता है। चरण तल अथवा करतल में अश्व, हस्ती, श्री, वृक्ष, यूप, बाण, यव, तोमर, ध्वज, चामर, माला, पर्वत, कुंडल, वेदी, शंख, छत्र, पद्म, स्वस्तिक, रथ तथा अंकुश आदि चिन्ह वाली स्त्रियां राजवल्लभा होती हैं। स्त्रियों के मांसल मणिबंध वाले तथा कमल दल के समान हाथों को शुभ माना जाता है। स्त्रियों के करतलों का न तो अधिक निम्न और न अधिक उन्नत होना अच्छा होता है। शुभ रेखाओं से व्याप्त करतल वाली स्त्रियां आजीवन सधवा रहकर विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करती हैं। हाथ में जो रेखा मणिबंध से निकलकर मध्यमा अंगुली तक जाती है, वो ऊर्ध्व रेखा कही जाती है। ऐसी रेखा यदि स्त्री या पुरुष के करतल अथवा चरण तल में अवस्थित रहती है, तो वो स्त्री या पुरुष राज्य अथवा अन्य प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं। कनिष्ठिका अंगुली के मूल से निकलकर तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों के मध्य भाग तक रेखा के पहुंचने पर स्त्री या पुरुष की आयु 100 वर्ष की होती है। यदि इन अंगुलियों के बीच तक आने वाली रेखा का परिमाण उसकी अपेक्षा कम हो, तो उसी अनुपात में मनुष्य की आयु भी कम होती है। अंगुष्ठ मूलक रेखाओं के रहने पर स्त्री या पुरुष बहुत से पुत्रों या कन्याओं वाला होता है। स्थान स्थान पर आयु रेखा के छिन्न भिन्न होने से मनुष्य की आयु अल्प हो जाती है। यदि वो रेखा दीर्घ एवं अविच्छिन्न हो, तो उस पुरुष अथवा स्त्री को दीर्घायु माना जाता है। स्त्रियों के विषय में कहे गए ये सभी लक्षण शुभ हैं। इनके विपरीत लक्षणों के होने पर उन्हें अशुभ मानना चाहिए।